प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीद स्मारक पर पुजारियों का ये प्रदर्शन, जहां पुजारी अब यहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये अलग अलग मंदिरों के पुजारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के यहां पर इकट्ठा हुए हैं। इन पुजारियों की तरफ से विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के पुजारी प्रदर्शन पर है। मंदिर माफी की जमीनों के नियमों में संशोधन की इनकी मांग है और इसी को लेकर के अब पुजारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। शहीद स्मारक पर पुजारी जुटे हैं। देशभर के पुजारी अपनी मांगों को लेकर जो शहीद स्मारक है यहाँ पर जुटे हुए हैं। इन तमाम पुजारियों की जो मांगे हैं उसको लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे, साथ ही क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। आज जो है विधानसभा का घेराव है, क्या कुछ कहेंगे? राजस्थान के पुजारी विभिन्न अत्याचार प्रताड़ित होकर सरकार को शासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर 15 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ एक दिवसीय धरने और महाप्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग है रियासत काल के अंदर पुजारियों को दी गई माफी की खातेदारी दी जाए, 13-12-91 का कानून निरस्त किया जाए, एन्यूटी राशि जो 1963 से शुरू करते हैं लेकिन आज भी उसमें एक पैसा नहीं बढ़ाया है। 2013 में सरकार ने बजट घोषणा की लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुई। 48,466 मंदिरों पर लागू होती है, उसको कर्मचारियों के और विधायकों के वेतन की तरह महंगाई दर से जोड़कर भुगतान किया जाए और राज्य के आबादी क्षेत्रों में स्थित शहरी और ग्रामीण में 50,000 मंदिरों के पट्टे नहीं बढ़े हुए हैं, जिसके कारण मंदिर और पुजारी पीड़ित हो रहे हैं। देखिए, जब कोई आह्वान होता है तो निश्चित तौर पे उसका कोई रिजल्ट निकलता है। पुजारी एक ऐसा व्यक्ति है, रहा है कि उसकी सुनने वाला इस देश में कोई नहीं था, लेकिन अब हम उसको सुनाने के लिए सारे देश के पुजारी एक है और एक ध्वज के नीचे महासंघ के साथ में हम लोग हैं। और यहाँ आकर जो आज प्रदर्शन जो किया जा रहा है और जो घेराव करने की जो हमने आज चेतावनी दी है, ये प्रथम हमारा घेराव है और इसके बावजूद भी यदि और आगे होगा तो हम निश्चित तौर पे आगे हर व्यक्ति जिस स्तर से भी हमें आंदोलन करना होगा वो आंदोलन करें। सर, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आगे सरकार की नाक में दम कर देंगे और आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव में पुजारी इसका बदला जरूर लेगा। आज सर ये जो पुजारी महासंघ के बैनर तले हम जो धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, ये शांतिपूर्वक धरना है हमारा, गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि या तो पुजारियों की तरफ गवर्नमेंट अपना ध्यान आकर्षित कर ले, अन्यथा आगे भी रणनीति तैयार करके हमारे इनके सानिध्य में और एक आंदोलन का रूप दिया जाएगा। राजस्थान के समस्त पुजारीगण जो कि आजादी के बाद से अभी तक कुंठावश जी रहे हैं, उनकी समस्त मांगों को लेकर के पुजारी सेवक संघ ने आज अजमेर आज जयपुर के शहीद स्मारक के अंदर एक धरना दिया है और इस धरने के अंदर तय होगा कि इस पुजारी समाज कब तक अत्याचार सहन करेगा। अत्याचार सहन करने वाला नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अलवर जिले के टपुकड़ा के मिलकपुर तुर्क ग्राम पंचायत में साइबर ठगों की तरफ से एक मामले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि साइबर ठगों ने ई मित्र संचालक के साथ यहां पर मिली भगत कर फर्जी बैंक खाते खोले और लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। करीब 200 श्रमिकों के खाते खोले गए हैं जिनमें दस्तावेजों पर फर्जी खाते खोले गए। पीड़ितों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई कि इस मामले की जांच करवाई जाए, उनके खातों को बंद करवा करके दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जो सरपंच है उसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। नरेगा में काम करते थे हम, तो हमसे बोले अपने आईडी दे दो हमको, हम तुम्हारे जो खाते है उसमें कोई मिस्टेक आ रही, पैसा नहीं डल रहे नरेगा के, तो हमने बोला ले जाओ, दे दी। हम भी गए थे उसके साथ, अब हमें क्या पता था उसने हमारे खाते खोल के क्या कर ले, साइन भी करवाया, अंगूठा भी लगवाया हमारा और उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लेके और फर्जी खाते खोल दिए और साइबर ठगी का मामला है सर ये। हाँ, जितने भी लोग हैं सब गरीब है, गाँव के कुछ अनपढ़ लोग हैं, कुछ औरतें हैं, महिला हैं, कुछ जेंट्स हैं और बेचारा अपने नरेगा में काम करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। तो वहीं भीलवाड़ा बस स्टैंड पर करंट लगने से एक दिव्यांग और उसे बचाने के लिए आए युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दिव्यांग बाबूलाल करंट की चपेट में आ गया, जिसे बचाने के लिए गए दूसरे व्यक्ति नौशाद भी करंट की चपेट में आने से उसकी भी मौत हो गई। दोनों की दर्दनाक मौत हुई है। दिव्यांग बाबूलाल बिना बस स्टैंड के पास पंक्चर निकालने का काम करता था, नौशाद होटल में काम करता था। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। बरसात के टाइम की बात थी, यहाँ आसपास में मजदूर थे जो काम करने वाले, बाबूलाल मजदूर वगैरह यहीं आसपास में काम करने के बाद पेट्रोल पंप का काम करता था, ये सो गया बस स्टैंड के अंदर जगह देख के,
उसके बाद में करंट आ गया। करंट आने के बाद उसके साथी जो था उसका परिचित के पास रेस्टोरेंट में काम करता था नौसाद करके रखी, वो आया था और आखिर उसने उसको बताने की कोशिश की, दोनों करंट आ गया, दोनों की ट्रांसपोर्ट मिलती हुई रात पहुंचे लास्ट को बोल रहा था मेरी बात चीज अंदर हो जाए, कारणों का जाँच करें किस वजह से करंट आया, बसाद आ रही थी रात के टाइम। तो वहीं करौली में 26वें जिला स्थापना दिवस के मौके पर रन फॉर करौली रैली, पौधारोपण समेत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। करौली के मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम से रवाना हुई ये रैली जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर छात्रों से जिले को लेकर कई तरह के प्रश्न पूछे गए, विजेता छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। रन फॉर करौली रैली में छात्र पैदल और साइकिल से चलते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। रैली के दौरान छात्र एकता और सद्भावना के नारे लगा रहे थे और इसी दौरान एडीएम ने कहा कि किसी भी शहर कस्बे या जिले में जागरूक नागरिक अमूल्य धरोहर है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जिलेवासियों से एकता, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और विकास के लिए एकजुट होने का संदेश भी दिया। का 26वां जिला स्थापना दिवस है, कल भी पूर्व संध्या में कई कार्यक्रम होते हैं, आज सुबह से ही रन। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां रोहित गोदारा के नाम पर एक महिला को धमकी दी गई है। कार में आए 3 बदमाशों ने महिला को धमकाया और 80 लाख रुपए की फिरौती नहीं देने पर बच्चों के अपहरण की धमकी दी गई। इन बदमाशों ने खुद को रोहित गोदारा का गुर्गा बताया और जेएनवीसी थाना में पीड़ित महिला ने इसके बाद केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि रोहित गोदारा से फोन पर इन बदमाशों ने बात भी करवाई, ऐसा पीड़ित महिला की तरफ से जानकारी दी गई है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है और जो बदमाश यहां पर पहुंचे थे इस महिला के पास, उन्होंने बताया कि जो गुंडा रोहित गोदारा है वे उसके गुर्गे हैं और अगर फिरौती नहीं दी गई तो उसके बच्चों का अपहरण कर लेंगे। तो वहीं सीकर के शिमादोपुर इलाके से बड़ी खबर, टोल पर बदमाशों ने फायरिंग की है। रलावता टोल पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग की घटना को अंजाम देकर रलावता टोल से बदमाश भाग छूटे। टोल को लेकर के बदमाशों ने यह फायरिंग की। फायरिंग के दौरान एक टोल कर्मी के सीने में गोली लगी है, जिसे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल टोल कर्मी को जयपुर रेफर किया गया है। नीमका थाना की तरफ बदमाश भागे थे। फरार बदमाशों के पकड़े जाने की भी जानकारी सामने आ रही है, हालांकि पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई। बहरहाल रलावता टोल नाके की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां इन बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत फैलाई और एक टोल कर्मचारी को गोली मारी और यहां से फरार हो गए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की, जहां पर बोजुंदा में बजरी माफिया ने रॉयल्टी कटाने की बात पर हुए विवाद में फायरिंग कर दी, जिससे 5 युवक घायल हुए। इन घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर घायल को उदयपुर रेफर किया गया है। इधर पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोगों ने अस्पताल के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया है। पुलिस ने हमले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश अभी जारी है। ये वारदात यहां पर अंजाम दी गई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। बोजुंदा की तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जानकारी में आया है कि रिठोला टोल नाके के पास कुछ रॉयल्टी के जो जिन्होंने ठेका ले रखा है, उन लोगों ने कुछ युवकों पर फायरिंग की है। उसके संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जाँच जारी है। कुछ लोग आक्रोशित होकर इकट्ठे हुए हैं, उनको समझाइश की गई है, आगे जो भी होगा। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, कोटा में नाइजीरियन युवक पकड़ा गया है। इस युवक के पास में भारत का वीजा नहीं था। दिल्ली मुंबई राजधानी से ये ट्रैवल कर रहा था। कोटा जीआरपी ने नाइजीरियन युवक को ट्रेन से उतारा है। टीटी ने टिकट चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा। ये पूरा मामला जीआरपी और इंटेलिजेंस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। नाइजीरियन युवक से पूछताछ लगातार जारी है, बिना वीजा के आखिरकार ये भारत कैसे पहुंचा, साथ ही चोरी छिपे भारत में इसके रहने आने के पीछे का मकसद क्या है। पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें लगातार छानबीन कर रही हैं। तो नाइजीरियन युवक को ट्रेन से पकड़ा गया है, जिसके पास वीजा नहीं था, बिना वीजा के वो लंबे समय से यहां पर रह रहा था। और इसी बीच बीकानेर के खाजवाला से बड़ी खबर है, जहां तांत्रिक ने भूत प्रेत का डर दिखाकर के एक नाबालिग से दुष्कर्म किया है। इस कथित तांत्रिक के खिलाफ खाजवाला थाने में केस दर्ज हुआ है। नाबालिग के शरीर में भूत प्रेत की छाया होने का डर दिखाया और नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। भूत प्रेत निकालने का झांसा देकर के दुष्कर्म किया गया है। तांत्रिक महेंद्र नाथ मेघवाल
के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के घर में ही इस तांत्रिक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। आरोपी तांत्रिक ताबीज करने कई बार यहां पर पहुंचा था और तांत्रिक के खिलाफ पहले भी दुष्कर्म का केस चल रहा है। इस तांत्रिक ने पड़ोस में रहने वाली महिला से भी दुष्कर्म किया था। खाजवाला पुलिस ने पीड़िता नाबालिग का मेडिकल करवाया है। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर एक तांत्रिक ने नाबालिग का रेप किया है। टोंक के निवाई से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां प्रदेश भर में चिकित्सा सुविधाओं की माकूल व्यवस्था का दावा करने वालों को ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। दरअसल निवाई के तुर्किया गांव के उपस्वास्थ्य केंद्र पर बाढ़ जगसरा की रहने वाली खेलंता देवी का प्रसव होने के बाद महिला समेत नवजात को घर ले जाना था और ऐसे में अस्पताल से करीब 5 किलोमीटर दूर ये जगसरा गांव जाने के लिए आज तक सड़क नहीं है। लोगों का कहना है कि आजादी के बाद से ही लोग सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं आज तक इस गांव तक नहीं पहुंची है। किसी की भी सरकार रही हो, इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। हर बार बारिश के दिनों में यहां पर इस गांव की सड़क के यही हालात बनते हैं। इस रास्ते के कच्चा रास्ता है जहां पानी भर जाता है, एम्बुलेंस भी पानी को पार नहीं कर सकती और ऐसे में परिजनों ने महिला समेत नवजात को चारपाई पर लेटा करके घर तक पहुंचाया। प्रदेश में चिरंजीवी योजना का लाभ लोगों को मिलने का दावा सरकार करती है। जन सुरक्षा योजना समेत कई तरह की योजनाएं हैं और विधायक करोड़ों रुपए की सड़कें भी बनाने का दावा करते हैं, लेकिन विधायक के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब देखिए ये जो गांव है, इस गांव के लोगों को उप स्वास्थ्य केंद्र तक जाने के लिए सड़क नहीं है, वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता लोगों को पार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि आजादी के बाद इतने साल हो गए लेकिन इस गांव की व्यवस्थाएं नहीं सुधरी है। उधर गहलोत सरकार ने नागरिकों, गृहिणियों और मजदूरों को आर्थिक रूप से संबल देने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त न्यूनतम आय गारंटी के लिए सदन में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 सदन के पटल पर रख दिया है। इस कानून के दायरे में आने की न्यूनतम आयु है 18 साल। न्यूनतम आयु 18 साल और न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना चलाई जाएगी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के साथ में ही वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला के पात्र वर्गों के लिए न्यूनतम आय गारंटी प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आरएलपी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के जयपुर कूच मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। हनुमान बेनीवाल की सचिवालय में देर रात को वार्ता हुई, सचिवालय में हुई वार्ता पर आखिरकार सहमति बन गई है और 7 दिन के लिए हनुमान बेनीवाल ने बजरी माफिया के खिलाफ अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। बजरी माफिया के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने कार्रवाई की मांग की थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा से उन्होंने मुलाकात की थी। सचिवालय में देर रात को मुलाकात हुई और इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने हनुमान बेनीवाल को आश्वासन दिया कि सरकार बजरी माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हनुमान बेनीवाल की मांग है कि माफियाओं की लीज निरस्त की जाए, बजरी की दरें कम की जाए और बजरी के छोटे खनन पट्टे किसानों को दिए जाएं। घोटाले की जांच ईडी से भी करवाने की मांग हनुमान बेनीवाल ने रखी है। आज हमारा मेन मकसद ये था कि भाई हम सरकार बजरी की दरें कम करे, बजरी जो 100 रूपये टन मिलनी थी वो 700 रूपये टन मिल रही है, और दूसरा हमारा था कि बजरी की इसकी जो लीजे है बजरी माफिया की, ये 80-82 लीजे इनके, ये पार्टनर्स करीब करीब लोग इसके काफी लोग, तो ये सारी लीजे निरस्त करके और बजरी के छोटे खनन पट्टे किसानों को दिए जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। एक तरफ तो सीएम रात कैंप के अंदर घोषणाओं की बात करते हैं, घोषणाओं का पिटारा भी खोलते हैं, बजट में बात करते हैं, दूसरी तरफ बजरी माफिया के मार्फत जनता को लूटने का काम ही सरकार कर रही है। ये हमने ऐसे कागजात यहाँ पे दिए हैं जो किस तरह ये 30-30 फुट तक 40-40 फुट तक नदी को खोद के और फर्जी ही रवाना के माध्यम से इसमें ये शायद सबसे बड़ा घोटाला होगा। हम ईडी दफ्तर का भी घेराव 2-4 दिन बाद हम करने वाले हैं। ईडी के अंदर भी हम चाहते हैं कि सारा जो घोटाला है इसकी जांच ईडी करे।
बजरी माफिया पर अंकुश लगाने का आश्वासन हनुमान बेनीवाल को अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने दिया है। इस पर हनुमान बेनीवाल की तरफ से ऐलान किया गया कि वे देखेंगे कि सरकार क्या कार्रवाई करती है। 7 दिनों तक बजरी माफिया के खिलाफ जो हल्ला बोल है उसको स्थगित किया गया है। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से हनुमान बेनीवाल आंदोलन करेंगे बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर।